हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की इनह्यूमन सीरीज के बारे में और हम बात करेंगे एपिसोड 1 के बारे में। तो सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है हवाई के एक आइलैंड ओहायू से, जहां एक लड़की कुछ आर्म्ड लोगों से बचकर के जंगल की तरफ भाग रही होती है। भागते भागते जैसे ही वो एक पेड़ के पास रुकती है, उसके सामने एकदम से एक और आदमी आ जाता है जिसने हुडी पहन रखी है। पहले तो वो लड़की डर जाती है, उसको लगता है कि यही उन लोगों में से एक है जो उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी वो अपनी हुडी हटाता है और बोलता है कि वो उन लोगों के साथ नहीं है और वो उसे यहाँ ढूंढते हुए आया है और वो भी उसी की तरह है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर हम हैं क्या, और वो जवाब देता है कि हम इनह्यूमंस हैं और अपना नाम ट्राइटन बताता है। ट्राइटन उससे बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और वहाँ जाना होगा जहाँ हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, और उस जगह का नाम है एटेलैंड। वो लड़की बोलती है कि मैं उन लोगों को आते हुए सुन सकती हूँ, और इतना बोल के वो लोग वहाँ से भागते हैं। तभी पीछे से ह्यूमंस फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, दोनों भागते भागते अलग हो जाते हैं, जहां उस लड़की के भी एक बुलेट लग जाती है और ट्राइटन के भी, लेकिन ट्राइटन भागते भागते पानी में चला जाता है और ह्यूमंस थोड़ी देर में वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचते ही वो लोग उस लड़की की बॉडी को ढूंढ लेते हैं जो बुलेट लगने की वजह से मर चुकी होती है, और वो लोग उसकी बॉडी को लेकर के चले जाते हैं। सीन चेंज होता हुआ दिखता है और हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो अभी अपनी प्राइवेसी में है, जो कि एटलैंड के किंग ब्लैक बोल्ट और क्वीन मेड्यूसा है। उसी बीच ब्लैक बोल्ट के सिक्योरिटी ब्रेसलेट पे एक अलर्ट आता है, लेकिन मेड्यूसा उसे ब्रेसलेट उठाने से रोक देती है। वो दोनों अपने रूम से निकल के अपने कैसल के हेलवे में जाते हैं, और तब हमें देखने को मिलता है इनह्यूमन सिटी एटेलैंड का पहला व्यू, जो कि मून की एक हिडन सिटी है और ह्यूमन से बाकी और सभी लिविंग एंटिटीज से हिडन है। तभी हमें ह्यूमंस का भेजा हुआ एक मून रोवर दिखता है जो कि मून पर एनालिसिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वो एटेलैंड की इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। लेकिन अर्थ पे रोवर को ऑपरेट कर रहे लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ही नहीं दिखता। तभी एकदम से कोई चीज रोवर को तोड़ देती है, लेकिन रोवर के स्पीड कैमरा में उस चीज की एक ब्लर फोटो कैप्चर हो जाती है जो अर्थ के लोगों के पास पहुंच जाती है। उधर एटेलैंड में ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा के साथ सिटी में निकलता है और रास्ते में एक इनह्यूमन को बुलाता है जो कि है ब्लैक बोल्ट का भाई मैक्सिमस, और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा मैक्सिमस के साथ कार्नेट के पास पहुंचते हैं और वहां कार्नेट उनसे ट्राइटन के बारे में पूछता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट ध्यान नहीं देता और तब कार्नेट ब्लैक बोल्ट को उस रोवर एक्सीडेंट के बारे में बताता है, और तभी वहाँ गॉर्गन आ जाता है जिसके हाथ में वो टूटा हुआ रोवर होता है। गॉर्गन एटेलैंड का रॉयल गार्ड लीडर है और सिटी की सिक्योरिटी की सारी रिस्पांसिबिलिटी उसके पास है। कार्नेट गॉर्गन को समझाता है कि तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फुटप्रिंट से ह्यूमंस को हमारे बारे में पता चल सकता है, लेकिन गॉर्गन बात को ये बोलकर इग्नोर कर देता है कि वो तो बस अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ अर्थ पे कैलिफोर्निया के स्पेस सेंटर में हमें उस रोवर की ऑपरेटर दिखती है जो कि उस फोटो को अपनी टीम के साथ एनालाइज कर रही होती है, और वो बोलती है कि देखने में तो ये किसी हॉर्स का फुटप्रिंट लग रहा है। उधर कार्नेट ब्लैक बोल्ट से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ब्लैक बोल्ट साइन लैंग्वेज का यूज करके बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमस इस बात को सुन के ब्लैक बोल्ट से पूछता है कि क्या यही तुम्हारी स्ट्रेटजी है कि हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर ह्यूमंस ने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार देंगे। मैक्सिमस सजेस्ट करता है कि इससे पहले वो कुछ करें, हमें ही अर्थ पर अटैक करके उनको कैप्चर कर लेना चाहिए क्योंकि वही हमारा असली घर है। ब्लैक बोल्ट कहता है कि वो वॉर नहीं चाहता और मैक्सिमस को उस पे ट्रस्ट करने के लिए बोलता है। उधर अर्थ पे कैलिफोर्निया एरोस्पेस कंट्रोल सेंटर में अभी भी पूरी टीम नहीं समझ पाती है कि किस चीज ने उनके रोवर को तोड़ दिया और उनका मिलियंस का लॉस कर दिया। उसका बॉस उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हारे सही से ऑपरेट ना करने की वजह से ही रोवर क्रैश होकर टूट गया है, और इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो और तुम्हें खुद इस बात का पता लगाना होगा कि ये कैसे हुआ। इधर एटेलैंड पे एक सेरेमनी हो रही है जहाँ पे नए बने हुए इनह्यूमंस को उनकी पावर्स का पता चलता है। इनह्यूमंस बर्थ से ही नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज पे उन्हें एक प्रोसीजर से गुजरना होता है जिसे बोलते हैं टेरोजेनेसिस। और यहाँ पे इस सेरेमनी में हमें देखने को मिलती है क्रिस्टल, जो कि मेड्यूसा की बहन है, और साथ में उसका टेलीपोर्टेशन डॉग लॉकजॉ। टेरोजेनेसिस स्टार्ट होता है और एक लड़का जिसका नाम ब्रोनेजा है और दूसरी लड़की जिसका नाम इंड्रिया है। सेरेमनी खत्म होने के बाद में इंड्रिया से उसकी पावर रिवील करने को बोला जाता है और उसके बटरफ्लाई जैसे विंग्स निकल जाते हैं और वो इनह्यूमंस की फ्लायर कैटेगरी में आती है। वहीं ब्रोनेजा बोलता है कि उसको सेम फील हो रहा है और कोई चेंज नहीं है। तभी मैक्सिमस ब्रोनेजा से बोलता है कि कभी कभी टेरोजेनेसिस के इफेक्ट से कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और मैक्सिमस के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह है। ये बोलते हुए मैक्सिमस ब्रोनेजा के शोल्डर पे हाथ रखता है
लेकिन हाथ रखते ही ब्रुनेजा गिर जाता है और उसकी आंखें ब्राइट शाइन करने लगती हैं। ब्रुनेजा उठता है और मैक्सिमस से बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे स्नेक्स थे और उन लोगों ने तुम्हें वॉल से बाहर फेंक दिया। मैक्सिमस उसे भेज देता है और बोलता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मैक्सिमस लोअर कास्ट लिविंग क्वार्टर्स पहुंचता है, जहां सब इंड्रिया और ब्रुनेजा की पावर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं और इंड्रिया की पावर्स सबको बहुत पसंद आती है। लेकिन वहीं ब्रुनेजा बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मेरी पावर्स क्या है। उधर से एक आदमी चिल्लाता है कि तुम्हें माइंस में जाना होगा, क्योंकि एटेलैन में जिस भी इनह्यूमन के पास पावर्स नहीं होती हैं उसे माइंस में काम करना पड़ता है। मैक्सिमस सबसे बोलता है कि कोई बात नहीं है कि ब्रुनेजा को टेरोजेनेसिस से पावर नहीं मिली। वही वो आदमी मैक्सिमस से बोलता है कि तुम्हें भी माइंस में चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई पावर्स नहीं है। लेकिन मैक्सिमस खुद को किंग का भाई बोलते हुए कहता है कि मुझे माइंस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उन सबसे बोलता है कि इस कास्ट सिस्टम की छोटी सी जगह और लिमिटेड रिसोर्स की वजह से कुछ लोगों की पूरी जिंदगी माइंस में ही निकल जाती है और शायद ब्रुनेजा की भी निकल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास अर्थ जैसी जगह हो तो किसी को माइंस में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबको अपना अपना पसंद का काम करने की आजादी मिल जाएगी। मैक्सिमस की बात सुन के वहाँ के सारे लोग काफी सोच में पड़ जाते हैं। तभी मैक्सिमस के ब्रेसलेट में अलर्ट आता है और उसे देखकर वो सीधे ब्लैक बोल्ट के पास चला जाता है, जहां सब डिनर कर रहे होते हैं। मैक्सिमस बोलता है कि शायद ट्राइटन मर चुका है और ब्रूडन एक ऐसा ही ह्यूमन जो पास्ट को देखने और दिखाने की पावर्स रखता है उसे सबको ट्राइटन को दिखाने को बोलता है। जहां बुलेट लगा हुआ ट्राइटन देखता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि ट्राइटन अर्थ पे है। कॉर्नेट और गॉर्गन किंग से पूछते हैं तो ब्लैक बोल्ट बताता है कि अर्थ पे अभी भी कुछ इन ह्यूमंस फंसे हुए हैं और ह्यूमंस उन्हें मार रहे हैं और हम उन्हें यहाँ लाना चाहते हैं। मैक्सिमस कहता है हमें खुद अर्थ पे जाके रहना चाहिए, ना कि बचे हुए इन ह्यूमंस को यहाँ लाना चाहिए, जबकि यहाँ पहले से ही रिसोर्सेज की इतनी कमी है। लेकिन ब्लैक बोल्ट फिर से उस पे ट्रस्ट करने की बात बोलता है और ये सुन के मैक्सिमस गॉर्गन और कॉर्नेट अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। मैक्सिमस वहां से चला जाता है। तब कॉर्नेट ब्लैक बोल्ट से बोलता है कि मैक्सिमस एक खतरा है, लेकिन आप मेरी लॉयल्टी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इतना बोल के कॉर्नेट चला जाता है और गॉर्गन भी उसके पीछे चला जाता है, ये बोल के कि उन्हें ट्राइटन की जगह पे उसे भेजना चाहिए था। और फिर किंग क्वीन गॉर्गन को अर्थ पे ट्राइटन के रेस्क्यू के लिए भेजते हैं और लॉकजॉ उसे लेके अर्थ पे चला जाता है और ब्लैक बोल्ट एक रूम में सोचने के लिए चला जाता है। मेड्यूसा वहां से जा रही होती है, तभी मैक्सिमस उसे बोलता है कि ब्लैक बोल्ट ने तुम्हें कभी उस रूम में जाने नहीं दिया, लेकिन अगर तुम मेरी क्वीन होती तो मैं तुमसे इससे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता। मेड्यूसा बोलती है कि मैं तुम्हारी भी क्वीन हूँ। मैक्सिमस तब से मेड्यूसा को अपनी क्वीन बनाना चाहता था जब वो सिर्फ टीनएजर्स थे, लेकिन उसने ब्लैक बोल्ट को चूज किया। मैक्सिमस कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती थी अगर तुम मेरे साथ रहती। ये बोल के मैक्सिमस मेड्यूसा को टच करने लगता है, लेकिन मेड्यूसा अपने बालों से मैक्सिमस को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है और उसे एक वार्निंग दे के वहां से चली जाती है। तब मैक्सिमस को ब्रुनेजा की बात याद आती है जब उसने कहा था कि स्नेक्स ऑल ओवर यू। थोड़ी देर बाद मैक्सिमस की फ्रेंड ऑरेन केटन को मैक्सिमस के पास लाती है और वो उसे ब्रुनेजा और एंड्रिया के टेरोजेनेसिस रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। केटन बोलता है कि एंड्रिया की पावर्स अच्छी हैं, लेकिन ब्रुनेजा की पावर्स का अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है। केटन मैक्सिमस से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैक्सिमस बोलता है कि ब्लैक बोल्ट के प्लान से हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, हमें अर्थ पे जाके रहना चाहिए। केटन मैक्सिमस को किंग के खिलाफ जाने की बात पे वार्निंग देता है, लेकिन मैक्सिमस बोलता है कि मैंने सोच लिया है। केटन ऑरेन को ऑर्डर्स देता है कि किंग के खिलाफ जाने के लिए मैक्सिमस को अरेस्ट कर ले, लेकिन वो दोनों केटन को मार देते हैं। मैक्सिमस ऑरेन से कहता है कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इधर गॉर्गन ट्राइटन को अर्थ पे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे भी ह्यूमन गार्ड्स लग जाते हैं और अपने लीडर को बताते हैं कि टारगेट इज लॉक्ड और उनका लीडर भी मैक्सिमस ही होता है। इधर मैक्सिमस के गार्ड्स कॉर्नैक को मार देते हैं, लेकिन कॉर्नैक के पास पास्ट में जाके चीजों को चेंज करने की पावर्स होती हैं। कॉर्नैक सारे गार्ड्स को मार देता है और वहां से निकल के गॉर्गन को कॉल करता है और मैक्सिमस के धोखे के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम अर्थ पे ही रहो, और सीधे क्रिस्टल के पास जाता है जहां क्रिस्टल सब जान के लॉक जॉ को बोलती है कि वो कॉर्नैक को अर्थ पे छोड़ दे और वापस आए। इधर मेड्यूसा को भी लगने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन तभी उसके सामने मैक्सिमस अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और मेड्यूसा को पकड़ने को बोलता है, लेकिन मेड्यूसा अपने बालों से उनसे फाइट करने लगती है। तभी पीछे से एक इनह्यूमन मेड्यूसा को मेंटली वीक कर देता है और अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती, और मेड्यूसा को रोकने के बाद भी मैक्सिमस मेड्यूसा के बालों को काट देता है। उसके बाद मैक्सिमस मेडिटेशन कर रहे हुए ब्लैक बोल्ट के पास पहुंचता है। उधर लॉकजॉ मेड्यूसा को अर्थ
पे लेके चला जाता है। मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट से बोलता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि ये सब होगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया और अब तुम किंग बनने के लायक नहीं हो, और बोलता है कि अपने भाई को भी मार दोगे जैसे ही अपने पेरेंट्स को मार दिया। ब्लैक बोल्ट चुप रहता है क्योंकि उसके एक विस्पर में भी 2000 डेसिबल्स जितनी सोनिक वेव्स निकलती हैं, और जिसकी वजह से बचपन में गलती से उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। ये सब सुन के ब्लैक बोल्ट अपना मुंह खोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी लॉकजॉ आके उसे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन क्रिस्टल को मैक्सिमस पकड़ लेता है और सबको बताता है कि किंग और क्वीन कुछ लोगों के साथ एटिलैन छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा। और इसी के साथ इनह्यूमन के फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल। और अब आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।